हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है और आज से हम लोग सी प्लस प्लस एसटीएल के बारे में पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस एसटीएल जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे केवल उतना ही पार्ट कवर करेंगे जितना हमारी ग्राफ और ट्री की कोडिंग में हमारी ये हेल्प करती है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जा सकता है और मैं कभी नेक्स्ट टाइम इसकी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन फिलहाल आज के लेक्चर का एजेंडा केवल इतना सा होगा कि हम ग्राफ और ट्री की कोडिंग में हेल्प कर दे, इतना ही पार्ट हम एसटीएल का इसमें देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग सी प्लस प्लस एसटीएल का यूज कर पाएंगे। एसटीएल का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो इसका मीनिंग यह है कि कुछ स्टैंडर्ड हमारे मेथड्स बने हुए हैं, कुछ स्टैंडर्ड हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स बने हैं और हम उसको यूज कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस एसटीएल को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इंक्लूड करना पड़ेगा आईओ स्ट्रीम। इसके बाद हमें इंक्लूड करना पड़ेगा वो डेटा स्ट्रक्चर जो आप यूज करने वाले। तो सी प्लस प्लस एसटीएल में जो अलाउड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा वेक्टर, पेयर, स्टैक, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, मैप, और सेट। तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस एसटीएल में। तो आइए हम सबसे पहले वेक्टर के बारे में देखते हैं। तो चूंकि आपको वेक्टर यूज करना है इसलिए आप इंक्लूड करेंगे वेक्टर को। इसके बाद आपको यहाँ लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, स्टैंडर्ड नेम स्पेस का आप यूज करेंगे। फिर इसके बाद हम एक मेन बना लेते हैं और इस मेन में यूज करना स्टार्ट करते हैं एसटीएल का। तो यहाँ पे कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, आप पहले देंगे डेटा स्ट्रक्चर का नाम, इसमें किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, एंड देन इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट। तो वी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वेक्टर टाइप और इस वेक्टर में इंटीजर टाइप के डेटा एलिमेंट्स स्टोर होने वाले। वेक्टर में अगर आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मेथड हमारा होता है पुश अंडरस्कोर बैक, और यहाँ पे आपको डेटा एलिमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेट से हमने यहाँ लिखा वी डॉट पुश बैक वन। अगर आप और डेटा एलिमेंट डालना चाहते हैं तो आप इसमें वी डॉट पुश बैक टू कर सकते हैं। तो वेक्टर हमारा एक डायनेमिक एरे है और इस डायनेमिक एरे में जैसे जैसे आप एलिमेंट्स डालते रहेंगे इसकी साइज ग्रो करती है। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड साइज हमें डिक्लेयर नहीं करना है। जैसे जैसे आप एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखेंगे, जैसे जैसे एलिमेंट्स को आप इंसर्ट करेंगे वैसे वैसे इसमें साइज इसकी ग्रो करती है। तो अगर आप इसमें एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना चाहें तो आप दो तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। एक तो हम मान लेते हैं कि ये एक सिंपल सा एरे है और जिसमें चार एलिमेंट्स हमने इंसर्ट किए हैं और हमने इन एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। तो सी आउट वी आई, तो जीरो इंडेक्स पे हमने वन डाला है, वन इंडेक्स पे हमने टू डाला है, टू इंडेक्स पे थ्री डाला है और थ्री इंडेक्स पे हमने फोर डाला है। तो अगर हम एक एरे माने तो सबसे पहले वन आया है, टू आया है, थ्री इंसर्ट हुआ है इसमें और फोर इंसर्ट हुआ है। तो अगर आप एरे मान रहे हैं तो इस वन का इंडेक्स होगा जीरो, टू का इंडेक्स होगा वन, थ्री का इंडेक्स होगा टू और फोर का इंडेक्स होगा थ्री। तो इसी तरह से आप इनको डिस्प्ले भी कराने वाले हैं, कमेंट लाइन में इनको सेव कर सकते हैं ताकि आप इसको रिलेट कर पाए। तो हमने एक एक करके एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर दिया। अगर आप ये चाहते हैं कि स्पेसेस आए तो आप स्पेस भी अप्लाई कर सकते हैं सी आउट के साथ में। तो इन एलिमेंट्स को हमने इस तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं। रन करके देखते हैं, आई हमारा डिक्लेयर अभी नहीं हुआ है तो इसको हम सी प्लस प्लस में एनी वेयर डिक्लेरेशन अलाउड है तो हमने यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर कर दिया इसको। सो आपने रन करने के बाद देखा इसमें वन टू थ्री फोर डिस्प्ले हो गया, इसी सीक्वेंस में एलिमेंट डिस्प्ले हुए जिस सीक्वेंस में हमने इसका इंसर्शन किया था। अब आपको
छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे कि आपने एलिमेंट्स इंसर्ट किए बट आपको ये नहीं पता कि इस एरे का या इस वेक्टर का साइज क्या है अभी तक, तो आप यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर यहाँ पे फोर की जगह लिख सकते हैं वी डॉट साइज। तो वी डॉट साइज हमें ये बता देगा कि इस वेक्टर का साइज कितना है। तो मान लीजिए कि हमने चार एलिमेंट इंसर्ट किए तो वैलिड इंडेक्सेस तो हमारे 0, 1, 2, 3 है। वी डॉट साइज से मुझे 4 मिलेगा। सो अगर वी डॉट साइज हमने यहाँ पे लिखा है तो आई 0 से less than 4 मतलब कि 3 इंडेक्स तक हम इस लूप को रन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इस एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो साइज हमें क्या बता रहा है, साइज हमें ये बता रहा है कि कितना साइज है या कितने एलिमेंट्स का हमारा वेक्टर है। तो अगर मान लीजिए कि आपने v का साइज जो है इनिशियली डिस्प्ले किया, तो इनिशियली हमारे पास साइज क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो हम यहाँ पे एक न्यू लाइन लगा देते हैं, एंडल का मतलब है न्यू लाइन, और फिर से रन करके देखते हैं। और यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग जो साइज है वो 0 आ गया। फिर इसके बाद हम पहला एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद फिर से साइज पता कर लेते हैं। तो चेक कीजिए कि पहला एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद साइज 1 हो गई। साइज की तरह से ही एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब है कि कितनी मेमोरी बारी एलोकेट हुई है हमारे वेक्टर को। तो इनिशियल कैपेसिटी हमारी 0 होगी, जैसे आप इसमें एक एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे वैसे ही कैपेसिटी इसकी 1 हो जाएगी। हम यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट कर लेते हैं साइज, और यहाँ इस स्ट्रिंग प्रिंट कर लेते हैं कैपेसिटी। तो पहले कैपेसिटी साइज इसकी 0 होगी जब आपने इनिशियलाइज किया और कोई भी एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट नहीं किया, और जैसे आप इसमें एलिमेंट इंसर्ट करेंगे उस वैसे ही उसकी साइज बढ़ जाएगी और कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद साइज और कैपेसिटी देख लेते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि साइज पहले 0 है, कैपेसिटी भी 0 है। जैसे आपने पहला एलिमेंट इंसर्ट किया तो साइज भी 1 हो गई और कैपेसिटी भी 1 हो गई। साइज और कैपेसिटी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। मान लीजिए कि आपने 2 एलिमेंट इंसर्ट किए तो ऑब्वियस सी बात है कि साइज भी डबल हो जाएगी, साइज भी 2 हो जाएगी और कैपेसिटी भी 2 हो जाएगी। अब मान लीजिए कि हम 3 एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद साइज और कैपेसिटी देखते हैं। तो चेक कीजिए कि इनिशियली साइज 0 कैपेसिटी 0, उसके बाद साइज 1 कैपेसिटी 1, उसके बाद साइज 2 कैपेसिटी 2, उसके बाद साइज 3 कैपेसिटी 3। ये क्या हुआ? तो साइज तो ठीक है कि 3 एलिमेंट आपने इंसर्ट किया तो साइज 3 हो गई, कैपेसिटी यहाँ पर 4 हो गई। कैपेसिटी 4 होने का मतलब क्या है कि कैपेसिटी हमेशा डबल हो रही है। 1 एलिमेंट था तो दूसरा एलिमेंट डाला तो कैपेसिटी डबल हो गई, 2 हो गया। 2 एलिमेंट्स थे और जैसे आपने थर्ड एलिमेंट इंसर्ट किया कैपेसिटी 4 हो गई। थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करके देखते हैं तो आप शायद ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चौथा एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं और उसके बाद साइज और कैपेसिटी प्रिंट करते हैं, और मान लेते हैं कि हमने एक 5वां एलिमेंट लिया और उसके बाद भी साइज और कैपेसिटी को डिस्प्ले किया। आप देखिए कि जब तक आप जब आपने थर्ड एलिमेंट डाला तो साइज और कैपेसिटी साइज 3 और कैपेसिटी 4। कैपेसिटी 4 का ही मतलब है कि एक और एलिमेंट को इंसर्ट करने की इसके पास क्षमता है। तो चौथा एलिमेंट आपने इंसर्ट किया तो भी कैपेसिटी 4 ही रहेगी, लेकिन आपने जब 5वां एलिमेंट इंसर्ट किया तो कैपेसिटी अब नहीं है इसको इंसर्ट करने का, तो इसलिए कैपेसिटी डबल हो गई, 4 से 8 हो गई। तो 5वां एलिमेंट डालने पे आपने देखा तो कैपेसिटी 8 हो गई। इसका मतलब यह है कि जब आप इसमें 6th एलिमेंट डालेंगे तो स्पेस ऑलरेडी है इसके पास, कैपेसिटी है इसके पास एलिमेंट को इंसर्ट करने की। 7th करेंगे तो भी होगी, 8th करेंगे तो भी इसके पास कैपेसिटी 8 ही रहेगी, लेकिन जैसे आप 9th एलिमेंट डालेंगे कैपेसिटी डबल हो जाएगी। 5 एलिमेंट आपने इंसर्ट किए थे और ये 5 एलिमेंट आपके डिस्प्ले हो गए।
तो ये एक और तरीके से हम अपने इन एलिमेंट्स को डिस्प्ले करते हैं। और एक और तरीके से डिस्प्ले करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे फॉर ऑटो आई इन वी, और आप आई को डिस्प्ले कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आई एक आइटरेटर है वेक्टर वी के लिए, और जैसे जैसे आई वी आई आप जो प्रिंट कर रहे हैं वो आगे की तरफ बढ़ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको वन बाई वन आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। दो नई लाइन लेते हैं ताकि आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाएं कि पहले वाले के कॉरस्पॉन्डिंग क्या प्रिंटिंग है और दूसरे वाले के कॉरस्पॉन्डिंग क्या। तो देखिए कि पहले मेथड से जिसमें आपने एक फॉर लूप लगा के प्रिंटिंग की थी एक इंटीजर आई लेके, और यहाँ पे आप एक आइटरेटर लेके प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो प्रिंटिंग दोनों में सेम होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जितना भी हमने पार्ट लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और इसमें एलिमेंट जो हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से 5 साइज का एक वेक्टर है। तो पहले से 5 साइज का वेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी एलिमेंट्स हमने अपनी तरफ से नहीं डाले हैं, डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन इसका 0 हो गया। तो रन करके देखते हैं, देखिए कि साइज 5 कैपेसिटी भी 5 और इनके सभी एलिमेंट्स जो हैं वो 0। अब मान लीजिए कि आप इस वेक्टर के एलिमेंट्स को सभी एलिमेंट्स को 2 से इनिशलाइज करना चाहते हैं, तो पहला पार्ट तो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन द वेक्टर और दूसरा पार्ट हो गया इनिशलाइजर वैल्यू। तो अब देखिए रन करके हम देखते हैं, तो इस वेक्टर के सारे एलिमेंट्स 2 से इनिशलाइज है। फर्दर इसमें 5 एलिमेंट्स के बाद जो कि 2 हैं सभी, हम कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे, पुश अंडरस्कोर बैक का यूज करेंगे और लेट से हमने इसमें 6 इंसर्ट कर दिया। अब इस 6 के इंसर्शन के बाद साइज और कैपेसिटी हम प्रिंट करके देखते हैं। तो चेक कीजिए कि पहले साइज इसकी 5 थी और कैपेसिटी 5 थी। एक एलिमेंट इंसर्ट किया आपने तो उस साइज इसकी 6 हो गई लेकिन कैपेसिटी डबल हो। तो ये याद रखिएगा कि कैपेसिटी जो भी करंट कैपेसिटी है अगर उसमें वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है पुशबैक से एक एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे कि इसकी कैपेसिटी को जैसे आप पुशबैक करेंगे वो डबल कर। तो आई होप वेक्टर के बारे में आप काफी कुछ समझ गए हैं। और जैसे हमने एक सिंगल डायमेंशन वेक्टर क्रिएट किया है वैसे आप 2D वेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंगल डायमेंशन वेक्टर एक डायनेमिक एरे की तरह से ट्रीट हो रहा है, और अगर आप ये चाहते हैं कि एरे ऑफ वेक्टर क्रिएट करें तो आप ऐसा कह सकते हैं लेट्स से V5 या लेट्स से V4 ले लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये 2D एरे की तरह से ट्रीट हो, लेकिन 2D एरे नहीं है सिंपली, ये है एरे ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे इस डिक्लेरेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास 4 ऐसे वेक्टर क्रिएट हो गए जिसमें इंटीजर टाइप की वैल्यूज आएंगी लेकिन अभी इनमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। मान लीजिए कि आपने इसमें एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो आपने ऐसा कहा V0 डॉट पुश अंडरस्कोर बैक और यहाँ पे कहा 1, या चलिए इसको हम 2 के मल्टीपल्स लेते हैं। तो सबसे पहले पुश बैक 2 कर दिया तो 0 वाले वेक्टर में एलिमेंट 2 आ जाएगा। और मान लीजिए कि आपने एक बार फिर से पुश बैक किया तो लेट्स से हम इसमें 4 को रख रहे हैं, तो 0 वाले वेक्टर में आ जाएगा एलिमेंट 4V। फिर से आप पुश बैक करेंगे तो एक और एलिमेंट आ जाएगा, लेट्स से हमने एक और एलिमेंट इसमें डाला 6, तो यहाँ पे आ गया एलिमेंट 6। अब आइए 1 वाले वेक्टर में इंसर्शन करते हैं। जरूरी नहीं कि हम उतने ही एलिमेंट 1 वाले में डालें जितने 0 वाले में डालें, आप उससे कम भी डाल सकते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स लेते हैं, 3 और 6 ले लिया। तो इसका मतलब है कि पहले 3 पुश बैक हुआ है फिर 6 पुश बैक हुआ है 1 वाले वेक्टर में। फिर 2 वाला वेक्टर लेते हैं, 2 वाले वेक्टर में फिर से 4 एलिमेंट डालते हैं। तो लेट्स से हमने कहा V2 एंड V2 और मान लेते हैं इसमें 4 के मल्टीपल्स, तो 4 है 8 है 12 है और 16 है।
तो टू वाले वेक्टर में एंट्री करते हैं, तो 4 है, 8 है, 12 है और 16 है। फिर 3 वाले वेक्टर में एंट्री करते हैं, मान लेते हैं कि 3 वाले वेक्टर में केवल 1 है, तो v3 डॉट पुशबैक, मान लेते हैं इसमें 5 की मल्टीपल्स है, चलिए हम एक एलिमेंट की जगह 3 एलिमेंट्स इसमें लगाते हैं, तो 5 के मल्टीपल्स हैं इसलिए आएगा यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15। तो 5 3 वाले वेक्टर में हमने एंट्री कराई 5 10 और 15, क्योंकि ये वर्चुअली हम देख रहे हैं या विजुलाइज कर रहे हैं इसलिए इसको हम कमेंट लाइन में डाल देते हैं, या आप ऐसी कमेंट लाइन बना लीजिए। तो ये मेरा वेक्टर है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो इसको प्रिंट हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये 2D एरे टाइप का है इसलिए मुझे दोनों डायमेंशन में जाके प्रिंटिंग, तो पहला वाला मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हैं या एरे ऑफ वेक्टर के हिसाब से 4 है, तो i 0 से लेके 4 तक आया, और उसके बाद मुझे हर एक वेक्टर के अंदर जाना पड़ेगा और उसकी साइज के इक्वल तक चल के, मतलब vi.size एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना होगा। तो अगर हम i की वैल्यू को 0 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा v0.size, तो जितने एलिमेंट्स उस वेक्टर में होंगे उतने एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंट कर देते हैं वेक्टर के ith वेक्टर के jth इंडेक्स वाला एलिमेंट, इसको डिस्प्ले कराने के बाद एक कॉमा डिस्प्ले कर देते हैं, और जब ये एंड हो तो हम एक एंडल डिस्प्ले कर देते हैं जिससे कि हम नए वाले वेक्टर के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर पाए। अगर आप ये चाहते हैं कि कौन से वेक्टर में कौन कौन सा एलिमेंट है इसको भी आप डिस्प्ले करें, तो यहाँ पर सिंपली आप लिख सकते हैं सी आउट आई और उसके बाद एक कोलन डिस्प्ले कर दीजिए। तो इस तरह से आप एलिमेंट को डिस्प्ले करते हैं। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं कि ये बता रहा है हमें कौन कौन से वेक्टर में हमें एंट्री करनी, और एंट्री करने के बाद उसके जितने भी एलिमेंट्स हम यहाँ से डिस्प्ले कर रहे हैं, जितनी साइज है उसके हिसाब से डिस्प्ले कर रहे हैं, हर एक डिस्प्ले के बाद एक कॉमा लगा देते हैं, और फाइनली जब उस वेक्टर के सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो जाए तो हम न्यू लाइन रन करके देखते हैं इसको। एक सेमी कॉलन हमने मिस कर दिया था यहाँ पे, तो देखिए कि पहले वाले वेक्टर में 2 के मल्टीपल्स, दूसरे वाले वेक्टर में 3 के मल्टीपल्स, नेक्स्ट वाले में 4 के मल्टीपल और नेक्स्ट वाले में 5 के मल्टीपल, इस तरह से एरे ऑफ वेक्टर्स हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो 2D वेक्टर के बाद अब एक बार फिर से हम 1D वाले पे आते हैं और कुछ छोटी छोटी चीजें हम और देखते हैं इसमें। तो हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं इसको, और मान लेते हैं कि इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं इस वेक्टर में सिंगल डायमेंशन वाला, और हम ऐसे कहते हैं वी डॉट एलिमेंट्स इसमें हमें खुद से डालते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन तो उसका 0 हो गया होगा, लेकिन अब अगर हमें एलिमेंट्स अपनी तरफ से डालने हैं तो कैसे डालेंगे। लेट्स से हमने एक लूप लगा के इसके एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर लिया, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन वी डॉट साइज और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि वी आई इज इक्वल्स टू लेट्स से सभी 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हमने इस तरह से एलिमेंट्स इनके डाल दिए। पहले हमने इनिशियलाइजेशन 0 किया था, लेकिन किसी भी स्टेज पे हम ऐसा कर सकते हैं, और मान लेते हैं कि इस लूप के फिनिश होने के बाद हम इसमें अपनी तरफ से कुछ एक एलिमेंट डालना चाहते हैं, तो वी डॉट पुश बैक लेट्स से एलिमेंट 10 या एलिमेंट 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसमें 5 जो एलिमेंट्स हैं उसमें एंट्री होगी, तो 3 के मल्टीपल्स हैं तो 3, 6, 9, 12 और 15, और उसके बाद हम एक और एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर दे रहे हैं दैट इज 0। चलिए हम एक और एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं एंड लेट्स से दैट इज
वन एंड लेट्स से एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, लेट्स से दैट इज टू। अब इसके बाद इसको डिस्प्ले कर, तो डिस्प्ले करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन वी डॉट साइज, आई प्लस प्लस, और उसके बाद सी आउट और वी आई। जैसे आप वी आई डिस्प्ले कर रहे हैं वैसे आप कर सकते हैं वी डॉट ए टी, और यहाँ पे अगर आप प्रोवाइड कर दे इंडेक्स तो ये इसको डिस्प्ले कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आप वी आई को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं वैसे आप ए टी फंक्शन का यूज करके भी इसमें इंजर्शन कर सकते हैं। तो वी डॉट वी आई से एलिमेंट को आई एथ इंडेक्स के एलिमेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं, और वी डॉट ए टी आई पे का भी मतलब सेम। तो इसको हम एक काम करते हैं कि एक स्पेस से सेपरेट कर देते हैं, और जैसे अब एक एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा आप एक कॉमा लगा दीजिएगा जिससे कि आपको ये पता चले कि दूसरा एलिमेंट अब यहाँ से शुरू हो रहा है। आई को भी हमने डिक्लेयर नहीं किया तो यहाँ पे आई एन टी कर लेते हैं, यहाँ पे भी आई एन टी आई कर लेते हैं, एनी वेयर डिक्लेरेशन अलाउड है। तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले 0 0 डिस्प्ले हुआ, फिर 3 3, फिर 6 6, फिर 9 9, फिर 12 12, इसका मतलब सेम एलिमेंट जो आपने इसमें डाले थे वो डिस्प्ले हो रहा है। अब मान लीजिए कि आप किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, आप पीछे से किसी एक एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं वी डॉट पॉप अंडर स्कोर बैक, तो लास्ट एलिमेंट जो आपका होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो एक बार इसको रन करके से देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट बचे। तो दो न्यू लाइन हम ले लेते हैं जिससे कि आप तो ये सेग्रीगेट कर पाओ कि पहले क्या एलिमेंट्स थे और बाद में क्या एलिमेंट्स। तो आप देखिए कि पहले ये एलिमेंट्स थे स्टार्टिंग वाले और उसके बाद ये एलिमेंट आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट जो लास्ट वाला है वो हमारा डिलीट हो गया। तो आई थिंक कि वी हैव सीन एनफ अबाउट द वेक्टर्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेयर के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।